महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने जींद में पार्टी कार्यालय का किया उद्घाटन। जमकर बरसे खट्टर सरकार पर, आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा विधायक बलराज कुंडू ने। चल कर दिया है जींद में जो रेलवे का गढ़ कहा जाता है, यहाँ से पार्टी की शुरुआत कर दी, राज मुहूर्त भी कर दिया है, तो किस तरह का मैसेज रहेगा प्रदेश की जनता को? प्रदेश की जनता को मैंने परिवर्तन यात्रा के माध्यम से जो वादा किया था उनको जगाने का काम करने के साथ में, जो उनको वादा किया था कि मैं प्रदेश स्तर से जन सेवा की सोच वाले और जो लूट और झूठ की इस राजनीति को प्रदेश से भगाने का मादा रखते हैं, ऐसे लोगों को इकट्ठा करके प्रदेश के लोगों को एक नया राजनीतिक विकल्प दूंगा। आज उसकी शुरुआत इस जींद जिले की धरती, जो प्रदेश हरियाणा प्रदेश का दिल कहा जाता है, सेंटर पॉइंट है, जहाँ से ऐसी वेव निकलती है जो पूरे प्रदेश में राजनीतिक वेव देने का, किरण देने का काम करती है। आज उस धरती से मैंने उसकी आगाज़ कर दी है। आज यहाँ जींद जिले में कार्यालय खोलकर इस प्रदेश में उस बात को संकेत दे दिए कि आने वाले टाइम में हरियाणा प्रदेश के लोगों को एक नया राजनीतिक विकल्प मिलेगा। हरियाणा जन सेवा की सोच के लोगों का, इस प्रदेश के युवा के भविष्य को खुशहाल बनाने की सोच के लोगों का, किसान की बदहाली को ख़त्म करके किसान को खुशहाल करने की सोच के लोगों का, इस प्रदेश के गरीब का, उसको हक दिलाने के, उसके साथ या उसकी गरीबी के नाम पर शोषण उसका हो रहा है 5 किलो अनाज में, जो उसकी गरीबी के साथ उसका इमोशनल ब्लैकमेलिंग की जा रही है, उससे मुक्ति दिलाकर उस गरीब को उसका हक दिलाने का काम करें। प्रदेश से भ्रष्टाचार, लूट और बेरोजगारी को ख़त्म करने की सोच वाले लोगों का समूह इकट्ठा अब होने का घंटी आज संकेत आज विभिन्न संघनाद कर दिया है। अच्छा, पहले पिछले दिनों आपने पूरे हरियाणा को मैप दिया, पादल, किस तरह का विश्वास मिला लोगों के साथ आपका? उसी विश्वास का आज ये रिजल्ट आप देख रहे हैं कि मैंने आज ये कार्यालय खोलकर उन लोगों को प्लेटफार्म, तो आज आपने देखा होगा पूरे करीबन 12-13 जिलों के लोग आज यहाँ पहुँचे थे, उनमें एक जोश और एक नई उमंग, उनके चेहरे पे एक चमक थी कि अब हरियाणा को बचाने के लिए हरियाणा के गरीब किसान मजदूर के बेटों का एक संगठन खड़ा होने जा रहा है। कुंडू साहब, चर्चा है काफ़ी जो आपने उचाणा में जिस तरीके से भागीदारी दिखाई है, चर्चा में रह रहे हैं आप, वहाँ से आपने जन सेवा शुरू कर दी गई है, तो क्या मानते किस तरह राजनीति वोट सीट मानी जाती है उचाणा विधानसभा? कोई वोट सीट नहीं, ये तो राजघरानों के द्वारा बनाई गई उन अपनी विरासत है, उस विरासत को तोड़कर वहाँ किसी गरीब किसान मजदूर के बेटे को विधानसभा में भेजेगी अब की बार उचाणा की जनता। अब की बार उचाणा इस पर संदेश, हरियाणा प्रदेश को एक संदेश देने का काम करेगा, इस गरीब का किसान मजदूर हरियाणा प्रदेश को खुशहाल करने के लिए, इस धरातल के किसान मजदूर के पढ़े लिखे युवा और जवान नौजवान ही उस काम को पूरा कर सकते हैं। वेरी नाइस, धन्यवाद।